इलाहाबाद हाई कोर्ट जी, आपने जो ये पुलिस प्रशासन को पानी पिलाने का जो काम किया, आपने जो वितरण किया, तो ये आप किस किस जगह पे आपने ये वितरण किया? आज हमने जैसे कि 10 दिन तकरीबन हो चुका है लॉकडाउन के चलते, प्रशासन हमारे जो है पुलिस प्रशासन बहुत ही मेहनत से काम कर रहे, 24 घंटे अपने काम अंजाम दे रही है। बिल्कुल, उसके साथ साथ हमने आज अपने पूरे टीम के साथ अकेलवा, जनसा और मंगलपुर, परौता और ये महमूदपुर होते हुए लोहता, त्रिमोहानी पर जी, और सब जगह हर स्टाफ को, पुलिस स्टाफ को पानी पिलाते हुए जी, अपने टीम के साथ, जैसे हमारी टीम में मोहम्मद शहजाद और इश्तियाक अहमद, काशिफ मोहम्मद कासिम, पीयूष केसरी जी और कुतुबुद्दीन जी, लोग बहुत लोग शामिल थे उसमें, जिन्होंने बहुत ही सहयोग के साथ अपने मन और मन के साथ लगे हुए थे जी, पूरे टीम को उन्होंने पानी का आयोजन किया। ये जो देश में लॉकडाउन है, लॉकडाउन को होते वक्त 10 दिन गुजर चुका है, ऐसे में आप जनता पैसे से, आप जैसे एडवोकेट हैं, ऐसे में आप जनता को क्या अपील देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे में मेरा अपील यही है जनता से कि देखिए, जैसे कि अगर लॉकडाउन हुआ है तो उसमें आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने घर में, जैसे कि लॉकडाउन दिया गया है, अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहे। हमारे जैसे कि सेना अपने वहाँ पर है तैनात, बॉर्डर पर तैनात है, उसी तरह हमारे यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है, और पुलिस प्रशासन हम लोग के बीच रहकर हम लोग के साथ बहुत ही अच्छे कार्यों को वितरित कर रही है, और 24 घंटे अपने परिवार को छोड़कर हम लोग को बचाने में लगी हुई है कि कोरोना वायरस या किसी प्रकार के कोई वायरस हम लोग के परिवार को न छुए, संक्रमित न करे, कि कोई व्यक्ति या कोई गाँव या कोई कस्बा उसमें संक्रमित न हो। ऐसे में देश को 10 दिन लॉकडाउन हो चुके हैं, ऐसे में बहुत ऐसे लोग हैं जो समर्थन भी कर रहे हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, इस विषय में आप उनसे क्या कहेंगे? मैं उनसे उन पब्लिक से विनती कर रहा हूं, वो आग्रह कर रहा हूं कि वो माने, बात को माने, अगर एक दूसरे से अगर संबंध में आ रहे हैं तो इसमें दिक्कत बढ़ती चली जा रही है, वो वायरस का जो प्रकोप है छूने और पकड़ने से ही बढ़ रहा है। उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने अपने घर में ही लॉक रहें, अपने अपने घर में, अपने परिवार में, साथ में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट नियाज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।